हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि एक वाटर टैंक है जहां तक पहुंचने के लिए 9 स्टेप्स हैं। 9 स्टेप पर पानी है और फर्स्ट स्टेप पर एक बंदर बैठा हुआ है। इस बंदर को नीचे जाके पानी पीना है, लेकिन पार्ट ए जो है क्वेश्चन का, उसमें ये बताया हुआ है कि जब वो नीचे की तरफ जाता है तो पहली बार जंप करता है तो 3 स्टेप नीचे जाता है, सेकंड जंप में वो 2 स्टेप ऊपर आ जाता है। पहले में नीचे जाएगा 1 से 4, सेकंड में 4 से 2 पे आ जाएगा, 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर। तो आपने ये बताना है कि कितने जंप करके वो 9th स्टेप तक पहुंचेगा जहां पर पानी है। तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि उसको कितने स्टेप नीचे आना है, नंबर ऑफ स्टेप्स। मंकी हैज टू कम डाउन, मंकी को नीचे आना है कितने स्टेप्स, टू कम डाउन, डाउन नीचे आएगा, उसको 9th स्टेप पर पहुंचना है, वो पहले स्टेप पर है तो 8 स्टेप्स उसको नीचे आना है। 8 स्टेप्स वो नीचे आ जाएगा तो पानी पर पहुंच जाएगा। तो अभी होता क्या है कि फर्स्ट जंप में वो 3 स्टेप नीचे आता है, उसके बाद में सेकंड जंप करता है तो 2 स्टेप ऊपर चले जाता है, वापस नीचे गया तो वापस आ गया, मतलब 2 जंप करने के बाद में वो सिर्फ 1 स्टेप ऊपर, 1 स्टेप नीचे आया, क्योंकि पहले यहां से 4 पर गया फिर 2 पर आ गया, तो 2 जंप के बाद वो 1 स्टेप नीचे आया। तो अब यहां से देख लेते हैं, 2 जंप्स 1 स्टेप, फिर 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 2 जंप्स 1 स्टेप। तो ये 10 जंप्स हो गए, 1 2 3 4 5 5 10, 10 जंप्स करने के बाद में वो 5 स्टेप नीचे आ गया, मतलब 1 से वो 6 पर पहुंच गया। अभी जब 6 से वो जंप करेगा तो कितना जंप करेगा, सीधा 3 स्टेप जंप करेगा। तो जब 6 से जंप किया 3 स्टेप, वो 9 पे पहुंच गया, पानी पर आ गया। तो जो लास्ट जंप होगा उसमें वो 3 स्टेप नीचे आएगा, तो 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर हो गया 8 स्टेप्स। 8 स्टेप्स उसको नीचे आना था, 8 स्टेप नीचे आ गया 11 जंप्स करके। 10th जंप में वो यहां पहुंचा था और 11th में यहां से यहां आ गया। तो ये जो 11 जंप्स हैं इसमें भी देख लेते हैं, जो उसने 11 जंप्स किए हैं उसमें वो 6 बार नीचे कूदा है और 5 बार वापस ऊपर आया है। 6 टाइम्स ही हैज जंप डाउन एंड 5 टाइम्स ही हैज जंप अप। ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी पार्ट सी के लिए। तो अभी हम आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या है कि पानी पी लिया, उसने वापस जाना है, तो वापस जब जाता है तो फर्स्ट जंप में वो 4 स्टेप्स ऊपर आता है और सेकंड जंप में 2 स्टेप नीचे आता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कितने उसको जंप करने पड़ेंगे ऊपर पहुंचने के लिए। अब ये हो रहा है कि 2 जंप के बाद, 2 जंप के बाद वो 2 स्टेप्स ऊपर पहुंच रहा है, जैसे 9 से चला 5 पे आया फिर वापस 7 पे चला गया, फिर 2 जंप किए उसने फिर वो 2 स्टेप ऊपर आ गया, फिर जब 4 जंप उसके हो गए, 4 जंप होने के बाद में वो 5 पर पहुंच जाएगा, तो जो लास्ट जंप करेगा वो
उसमें सीधा वो फोर स्टेप्स ऊपर जाएगा, पांच से यहाँ पे सीधा, तो कितने उसके स्टेप्स हो गए, एट स्टेप्स, और एट स्टेप्स उसको ऊपर आना था, और जंप्स कितने हुए, फाइव, फाइव जंप्स एट स्टेप्स। तो फाइव में भी देख लेते हैं, तीन बार वो ऊपर कूदा फाइव में और दो बार वो नीचे आया। ये फाइव जंप बनेंगे, यहां पे नीचे आया, ऊपर ऊपर ऊपर, और यहां पे नीचे, यहां पे नीचे। तो ये सेकंड आंसर आपका हो गया क्वेश्चन बी का, ये क्वेश्चन बी पार्ट बी था, 10B। ही हैज टू जंप फाइव टाइम्स टू कम बैक टू स्टेप वन, स्टेप वन वापस आने के लिए पांच बार उसको जंप करना पड़ेगा। तो अब इसके हम आ जाते हैं पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी में वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम जंप जब नीचे करते हैं तो उसको माइनस में शो करेंगे, और अगर ऊपर आता है उसको प्लस में शो करेंगे। तो उन्होंने आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, माइनस थ्री प्लस टू, ये फिल अप करके आपने पहुंचना है माइनस एट पर, कितने जंप करके वो नीचे पहुंचा। तो अभी क्या करेंगे हम, हमने देखा था कि उसने 11 जंप्स किए थे, 11 जंप्स में 6 बार वो नीचे गया था, मतलब 6 बार हमको माइनस तीन लिखना पड़ेगा, और 5 बार ऊपर आया था तो 5 बार प्लस दो लिखना पड़ेगा, तो उससे माइनस एट बनेगा आपका। तो इसका ऐसे कर लेते हैं, सॉरी माइनस आएगा, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, और प्लस टू कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच। तो इसको आप ऐड करके देख सकते हो, माइनस तीन 6 बार है तो हो जाएगा माइनस 17, और प्लस टू है 2 बार हो जाएगा, प्लस टू है 5 बार, एक दो तीन चार पाँच 10, माइनस एट में 10 गया माइनस एट, वो जितने स्टेप्स उसको माने थे। तो ये इसका आंसर बनता है। पार्ट सी में दो पार्ट हैं, उसका ये पहला पार्ट ये है कि जब वो नीचे जा रहा है तो कैसे उसको हम फिल इन द ब्लैंक्स करके इसको दिखाएंगे। तो दूसरा पार्ट है जब वो ऊपर आ रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है प्लस टू माइनस, इसको पूरा करके आपने एट बताना है। तो इसमें क्या हुआ था, वो तीन बार ऊपर आया था, तो प्लस फोर माइनस टू, प्लस फोर, तो तीन बार ऊपर आया, वन टू थ्री, और दो बार नीचे गया, एक दो। तो इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, चार आठ बारह, दो दो चार माइनस चार इज एट, तो ये आंसर है। तो ये पार्ट सी के जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है उसको अपनी ऐसे फिल अप करना है, और फर्स्ट पार्ट को ऐसे फिल अप करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 1.1। ओके, थैंक यू।